नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एशिया की सबसे बड़ी माल्ट डिस्टिलरी कंपनी की शुरुआत, परनोट रिकॉर्ड इंडिया ने की पहल, उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने की सराहना। किसानों के उत्कर्ष के लिए नया प्रोजेक्ट, परनोट रिकॉर्ड इंडिया ने नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी माल्ट डिस्टिलरी की शुरुआत के साथ ऐतिहासिक निवेश को आगे बढ़ाया है। नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी माल्ट डिस्टिलरी और मैच्योरेशन सुविधा स्थापित करने के लिए बूटी बोरी स्थित MIDC परिसर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों भूमि पूजन समारोह किया गया। कंपनी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ किए गए MOU को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया, जिसके तहत अगले 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1,785 करोड़ रुपए तक के निवेश द्वारा परतोड़ रिकॉर्ड इंडिया ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि लागत सहित लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। कंपनी ने परिचालन और निर्माण योजना में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सुविधा का डिजाइन और तैयार हो चुका है। यह ऐतिहासिक परियोजना कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके स्थानीय रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, साथ ही विदर्भ में आत्महत्या करने वाले किसानों को विकास और उम्मीद की दिशा में ले जाने की पहल होगी। इस पहल से किसानों की उन्नति के द्वार भी खुल जाएंगे। इस दुनिया की एक बड़ी कंपनी ने नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिलरी का इन्वेस्टमेंट किया है। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बार्ले है और कम से कम 90,000 किसानों से बार्ले खरीदने का उनकी मानसिकता है, उसके लिए वैल्यू चेन्स तैयार करने की उनकी मानसिकता है, तो इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज एशिया की और भारत की सबसे बड़ी माल्ट मैच्योरेशन एंड डिस्टिलरी फैसिलिटी नागपुर में की जा रही है, विदर्भ में की जा रही है। इसमें करीब करीब सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो किसानों को होगा, करीब 80 से 90 हज़ार किसानों को इसका फायदा होगा, क्योंकि हमारे अंदाज से हमको करीब महीने में 5,000 टन जो बार्ली है उसकी ज़रूरत होगी। तो ये जो बेसिक प्लांट है, आज हमारे यहाँ पे नागपुर में आप देख विदर्भ में देखते हैं तो सोयाबीन और कॉटन यही सिर्फ एक क्रॉप है। आज उसके सिवाय अगर बार्ले मिलता है और उनको अगर अश्योर्ड किसानों को मार्केट मिलेगा इसके द्वारा, तो इसमें किसानों की भी उतनी ही उन्नति उत्कर्ष उनका होगा। तो हमारा मेन उद्देश्य हर हमेशा ये रहा है, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल किसानों से आता है, तो हमने कभी इस चीज़ को ये नहीं किया, बट 80 से 90 हज़ार किसान मिलेगा। और ये कंपनी वैसे भी भारत में करीब करीब 21 से 22 हज़ार करोड़ का डायरेक्ट टैक्स देती है, तो आज टैक्स के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से, और आज अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये आज प्लांट आने की वजह से नागपुर का, विदर्भ का विकास होगा। पूरे देश में हम देखेंगे सर, विदर्भ जो है वो पूरे देश भर में किसान आत्महत्या के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट के? देखिए, जब ये प्लांट कई जगह पे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ करें, पर ये कंपनी चूँकि किसानों के लिए बड़ी संवेदनशील है, इसीलिए ये कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम ऐसे जगह पर जाए जहाँ पे जो सॉइल है वो उस बार्ले कल्टीवेशन के लिए अच्छी हो, यहाँ के किसान जो शोषित कुपोषित हो, अगर उनको हमको फिर से उनकी उत्कर्ष से उत्पत्ति करनी है तो हमको ऐसे जगह पे उस प्लांट को डालना चाहिए, और ये सोच के ही ये प्लांट का डिसीजन हमने लिया और बड़ी संवेदनशीलता से लिया। हमको पता है कि यहाँ पे आज बार्ले की कल्टीवेशन देखें तो आज राजस्थान UP नॉर्दर्न साइड में होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ लाने का मतलब ही ये था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने काफ़ी इनिशिएटिव इसमें लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, विदर्भ के जो हमारे किसान हैं उसके लिए कम से कम ये प्लांट आप यहाँ लेके आइए, हमारे तरफ से सरकार शासन की तरफ से जो सहयोग चाहिए हम करेंगे, और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे को बड़ी उम्मीद है इस प्लांट से, जो हम सपना लेके आए कि यहाँ के किसानों की उत्पत्ति और उत्कर्ष होगा,
वो जरूर आपको आने वाले समय। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे राज्य भर में घटित अहम खबरों के साथ। नमस्कार।